माशाल्लाह माशाल्लाह, घर तो बहुत ही प्यारा है तुम्हारा। थैंक यू दादी। जीते रहो जीते रहो भाई। आज तो मैं खास तौर अपनी बहू से और पोतों से मिलने के लिए आई, लेकिन लगता ये है कि मेरे आने की खुशी में बहू कोई खास ही तैयार हो रही है। दादी बस अगर आपकी बहू होती तो यकीनन वो खास तैयारी कर रही होती है। क्या मतलब है तुम्हारा, तुमने शादी नहीं की? ऐसे ही। हाय, एक तो ये आजकल के लड़के पता नहीं क्या सोच के तुम लोग बैठे रहते हो। उधर वो अरसम वो रट लगाए हुए, मैं शादी नहीं करूंगा शादी नहीं करूंगा। खैर, उसके तो मिजाज की खराबी मुझे समझ में आती है, उसके तो मेयार पे कोई लड़की ही पूरी नहीं होती। पर मेरा बेटा, तुम तो अच्छे खासे भले मानस हो। दादी यूं समझें कि मेरे हाथ में शादी की कोई लकीर नहीं। अच्छा, तब आपका सफाई वाला सफाई नहीं सीखा? चुप कर, हर जगह अपनी टांग अड़ाने के लिए खड़ा हो जाता है। ठीक है दादी। हाँ बेटा, तुम क्या कह रहे थे? नहीं बस मैं कह रहा था कि मैं खुश हूँ लाइफ में दादी। अरे हाँ, खुश हो गए तुम? बस तय हो गया, अब मैं अरसम के साथ साथ तुम्हारे लिए भी लड़की तलाश करूंगी। दादी नहीं प्लीज, मुझे शादी नहीं करनी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ ऐसे।